हेलो दोस्तों, पद्मावती किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको रेसिपी पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। आज का स्पेशल रेसिपी है सेवियां साबूदाना खीर। देखिए, देखने में कितना अच्छा दिख रहा है, उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स है सेविया साबूदाना खीर बनाने के लिए। सबसे पहले स्टोव को हाई फ्लेम में रखिए, उसके बाद 2 टेबलस्पून घी ऐड कीजिए, काजू, बादाम और पिस्ता ऐड करके लाइट ब्राउन होने के बाद किशमिश ऐड करके अच्छे से फ्राई कीजिए। स्टोव बंद करने के बाद फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स बाउल में निकाल के बाजू में रखिए। स्टोव को मीडियम फ्लेम में रखने के बाद 100 ग्राम रोस्टेड पतला सेविया ऐड करके लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। स्टोव बंद करने के बाद फ्राई किया हुआ सेविया बाउल में निकाल के बाजू में रखिए। स्टोव को हाई फ्लेम में रखने के बाद 1 लीटर पानी ऐड करके 3 बार धोया हुआ 1 कप यानी 80 ग्राम साबूदाना ऐड करके 1 टीस्पून घी ऐड करने के बाद अच्छे से मिलाइए। साबूदाना को 35 मिनट तक उबालते हुए बीच बीच में अच्छे से मिलाते रहिए। एक बार गरम किया हुआ 1.5 लीटर दूध ऐड करके अच्छे से मिलाइए। फ्राई किया हुआ सेविया और ड्राई फ्रूट्स ऐड करके अच्छे से मिलाइए। सेविया को 6 मिनट तक उबालते हुए बीच बीच में अच्छे से मिलाते रहिए। 1 कप यानी 220 ग्राम शक्कर डालने के बाद अच्छे से घुलने तक मिलाइए। स्टोव को लो फ्लेम में रखने के बाद 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करके अच्छे से मिलाने के बाद स्टोव बंद कीजिए। अब स्वादिष्ट सेविया साबूदाना खीर तैयार है खाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको रेसिपी पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।